रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वेलेंस बॉन्ड थ्योरी इससे पहले हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी इस थ्योरी की हेल्प से हमने फाइंड आउट की मॉलिक्यूल्स की जोमेट्री या शेप अब वेलेंस बॉन्ड थ्योरी ये थ्योरी हमें बताएगी कि कोवलन बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है ठीक है यानी ये बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेगी या पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है ठीक है इसमें इसके नाम से ही पता चलता है जैसे वेलेंस बॉन्ड मींस के वेलेंस शेल के जो अटोमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में ठीक है और उससे नीचे जितने भी अटोमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे अब द फर्स्ट क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाज डेवलप्ड बाय डब्ल्यू हिटलर एंड एफ लंडन इन 1927 यानी yani 1927 में ये जो दो साइंटिस्ट थे हिटलर और लंडन इन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया किस बेस पे क्वांटम मकेनिकल ट्रीटमेंट पे यानी इसमें क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट्स का आ, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की डुअल नेचर वेव नेचर ठीक है वेव फंक्शन के हिसाब से उसने बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया और लेकिन इस थ्योरी को बाद में इम्प्रूव किया लीनस पॉलिंग एंड जे सी स्लेटर ने इन 1931 इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं आ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द ओवरलैप ऑफ हाफ एल्ड एटोमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ईच एटम कंटेनिंग वन अनपेयड इलेक्ट्रॉन इसका जो पहला पॉइंट है वो हमें यह बताता है कि दो ऐटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो किस तरह से बनता है कि दोनों ऐटम्स के वो वाले ऑर्बिटल्स जिनके पास जो हाफ फिल्ड है या जिनके पास वन वन इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करते हैं ठीक है तो फिर बॉन्ड बनते हैं जैसे हाइड्रोजन के आइटम हैं इसके ऑर्बिटल में यानी जो फर्स्ट वाला ऑर्बिटल है वन एस वन उसमें वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है और जो इसी तरह जो सेकेंड हाइड्रोजन आइटम जिसके साथ इसने ओवरलैप करना है उसके भी वन एस वन ऑर्बिटल में यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और एक सिंगल बॉन्ड बनेगा सेकेंड जो पॉइंट है द ओवरलैप ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव राइज टू अ सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल विच इज लोकलाइज ऑर्बिटल एंड इज ऑक्यूपाइड बाय बोथ द इलेक्ट्रॉन्स यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो उसके रिजल्ट में एक सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल बनेगा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? एक सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल बनाएंगे और ये ऑर्बिटल इसको कहेंगे लोकलाइज ऑर्बिटल मींस के ये दो न्यूक्लियस के दरमियान फिक्स है ठीक है दो न्यूक्लियस के दरमियान ही रहेगा और दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बॉन्ड ऑर्बिटल में आएंगे ठीक है इसको मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ इस पॉइंट को कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो हाइड्रोजन एटम के अलहदा अलहदा ठीक है अभी उन्होंने ओवरलैप नहीं किया तो उन ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे वन एस ऑर्बिटल्स को एटॉमिक ऑर्बिटल ये मैं हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिर्फ बता रही हूँ ठीक है एटॉमिक ऑर्बिटल जब ये ओवरलैप कर लेंगे तो ये बनाएंगे सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल ठीक सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे लोकलाइज ऑर्बिटल भी कहेंगे क्यों क्यों कहेंगे लोकलाइज ऑर्बिटल क्योंकि ये जो दो ओवरलैपिंग एटम्स थे एटॉमिक uh, ऑर्बिटल्स दो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स उनके दरम्यान लोकलाइज उनके दरमियान मौजूद है एक ही जगह पे फिक्स है इसलिए इसको कहेंगे लोकलाइज ऑर्बिटल ठीक है और दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स थे अब वो इस लोकलाइज्ड ऑर्बिटल में रहेंगे तीसरा जो पॉइंट है द टू इलेक्ट्रॉन डेट ऑक्यूपाई द बॉन्ड ऑर्बिटल हैव ओपोजिट स्पिन अब जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो बॉन्ड ऑर्बिटल में आएंगे तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होगी ना वो ऑपोजिट होगी ठीक है जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थे अलग-अलग दो हाइड्रोजन आइटम्स के तो उस वक्त इनकी स्पिन जो थी वो पैरल थी लेकिन जब ये बॉन्ड ऑर्बिटल में आ जाएंगे तो फिर इनकी स्पिन क्या हो जाएगी ओपोजिट हो जाएगी उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट है ईच इलेक्ट्रॉन ऑक्योपाइज द इंटायर बॉन्ड ऑर्बिटल एंड हैंस में बी कंसिडर टू बिलोंग टू बोथ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी जो कोई भी दोनों में से हर इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड ऑर्बिटल को पूरा का पूरा ऑक्योपाई करेगा ठीक है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मे बी कंसीडर टू बी बिलोंगिंग टू बोथ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बिलोंग कर रहा है इस वक्त ठीक है उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है देर इज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समवेयर बिटवीन द टू एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग यानी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान वो किस जगह पे मैक्सिमम होगी ओवरलैपिंग रीजन में ठीक है तो जो ओवरलैप करेंगे उसके बाद जो ओवरलैपिंग रीजन होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अगला पॉइंट है अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉन्डिंग फोर्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक् एंड द एक्यूमुलेटेड अलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन दम अच्छा जी अब कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ठीक है तो दोनों न्यूक्लियस ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है दोनों के दरमियान उसको ये अट्रैक्ट करेंगे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो बनेगा अगला पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग मैक्सिमम है तो बॉन्ड भी जो है वो भी ज़्यादा स्ट्रोंग होगा उसकी बॉन्ड इनर्जी ज़्यादा होगी ठीक है तो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप आपस में जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा अगला पॉइंट है द एटम्स रिटेन देयर आइडेंटिटी ओनली द आउटर वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर इफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इसका मतलब है कि एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेलेंस शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन वेलेंस शेल के नीचे जितने भी अटोमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी वैसे ही मेंटेन करेंगे ठीक है यानी इस तक यहाँ तक हमें ये समझ आई है कि ऑर्बिटल्स हैं यानी एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं सिर्फ वो ऑर्बिटल जो वेलन शेल से बिलोंग करते हैं और वेलन शेल के भी सिर्फ वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ठीक है वो ओवरलैप करेंगे वो जब ओवरलैप करेंगे तो एक ओवरलैपिंग रीजन आएगा उस ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मैक्सिमम होगी और वो एक कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान ऐसा होगा कि उस जगह पे मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन बोथ न्यूफ्लियाई एंड बोथ इलेक्ट्रॉन और वहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन में या जो बन गया नया ऑर्बिटल बॉन्ड ऑर्बिटल जिसे कह रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है ना वो अपोजिट होगी ठीक है उसके बाद अगला है लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अब ये जो सारे हमने पॉइंट पढ़े थे अब उसको हम डिटेल में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पे अप्लाई करते हैं कि ये एच टू मॉलिक्यूल कैसे बना अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी द टू हाइड्रोजन एटम्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग मे बी रिप्रेजेंटेड एज एच ए और वन यानी हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं एक को हमने नाम दिया एच ए और दूसरे को नाम दिया एच बी का ठीक है एच ए के साथ जो वन लिखा है ये इसके इलेक्ट्रॉन को शो करता है ये ये नहीं शो करता कि उसके पास वन इलेक्ट्रॉन है सिर्फ ये शो करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का नाम एच ए वाले हाइड्रोजन का जो एटम है इसके इलेक्ट्रॉन का नाम हमने वन रख दिया ठीक है इसी तरह जो सेकंड एटम है हाइड्रोजन का उसको हमने एच बी कहा ठीक ये एच बी उसका न्यूक्लियस है और ये जो टू उसके साथ लिखा है इसका ये मतलब नहीं कि इसके पास टू इलेक्ट्रॉन है बल्कि इसका मतलब है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का हमने नाम क्या रख दिया टू ये हमने इसलिए किया ताकि डिफ्रेंश कर सकें कि एच ए का इलेक्ट्रॉन कौन सा है और एच बी का कौन सा एच ए रिप्रेजेंट करेगा एक हाइड्रोजन एटम ए के न्यूक्लियस को और वन शो करेगा उसके इलेक्ट्रॉन को और एच बी शो करेगा जो सेकेंड हाइड्रोजन एटम है उसके न्यूक्लियस को और टू शो करेगा इसी जो एच बी वाला हाइड्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को ठीक है

इतने फासले पे हैं कि इनके दरमियान कोई भी काबिल ज़िक्र अट्रैक्शन नहीं है ठीक है इनका आपस में कोई ना रिपल्शन है ना अट्रैक्शन है अब इस स्टेज पे, यानी जब ये एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं फ़ासले पर हैं इफ़ साई ए वन एंड साई बी टू द ऑर्बिटल्स, वेव फंक्शन फॉर टू एटम्स एच ए एंड एच बी दैन द कम्बाइंड वेव फंक्शन फा द सेपरेटेड एटम इज़ गिवन बाय अच्छा अब हमने यहाँ पे ये जो वेलेंस पॉइंट थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें यही था ना वेव मकैनिकल ट्रीटमेंट वेव मकैनिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपने अब इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर उसको कंसीडर करना है हमने पूरे ऑर्बिटल को ये जो नाम दिया है इसको कहा है कि ये साई ए वन एंड साई बी टू ठीक है ये शो करते हैं ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन को ये हाइड्रोजन एच, एच ए उसके ऑर्बिटल का वेव फंक्शन वन एस का और ये दूसरा वाला एच बी साई बी टू ये उसका जो ऑर्बिटल है वन एस उसके वेव फंक्शन को शो करते हैं ठीक है इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लें कि ये साई ए वन ये एक्चुअली आप समझ लें कि ये वन एस वन है हाइड्रोजन जो ए है एच ए है उसका ऑर्बिटल का वेव फंक्शन और ये जो हाइड्रोजन एच बी है दूसरे वाला उसका जो ऑर्बिटल है वन एस वन ये उसके वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अब अगर हम इन दोनों वेव फंक्शन को कंबाइन कर दें फॉर द सेपरेटेड एटम्स इज़ गिवन बाय, यानी अभी ये एटम्स एक दूसरे से दूर हैं सेपरेट हैं और लेकिन इनके वेव फंक्शन को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो वो क्या होगा टोटल वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू साई ए वन और ये डॉट होता है यहाँ पे यानी मल्टीप्लाई साई बी और ये टू ठीक है ये सिंपल यहाँ पे हमने दोनों फंक्शन जो है ना उनको इकट्ठा करके लिखा है एज द टू एटम्स अप्रोच ईच अदर अब इसके बाद जो ही एटम्स हम एक दूसरे के करीब लेके आते हैं दे एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एंड अलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द अदर यानी इन्फिनी के बाद हम ऐटम्स को एक दूसरे के जू ही करीब लेकर आते हैं तो उनमें अटैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवेलप होना शुरू हो जाती है इस तरह से कि अगर हाइड्रोजन एच ए उसका न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन दूसरा है एच बी उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ठीक है और इसी तरह एच बी वाला न्यूक्लियस एच ए वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इनके दरमियान आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी जो जो ये एक दूसरे के करीब आएंगे लेकिन इसके साथ ही इनमें रिपल्शन भी आएगी ठीक है रिपल्शन क्यों आएगी जब ये एक दूसरे के दोनों हाइड्रोजन एटम करीब आएंगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन क्योंकि न्यूक्लियस पे भी एच ए के न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और एच बी के न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है सेम चार्ज जो है रिपेल करेंगे यानी न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन भी होगी और इसके साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होगी यानी एच ए का इलेक्ट्रॉन और एच बी का इलेक्ट्रॉन ये दोनों भी आपस में रिपेल करेंगे ठीक है यानी जब हम हाइड्रोजन एटम्स एच ए और एच बी को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो क्या होगा कि अट्रैक्शन भी आएगी अट्रैक्शन किस वजह से आएगी एच ए का न्यूक्लियस एच बी के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा और एच बी का न्यूक्लियस एच ए के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा इसके साथ साथ दोनों न्यूक्लियस अपने अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है और नंबर टू रिपल्शन रिपल्शन किस वजह से आएगी जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो न्यूक्लियस एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और इसी के साथ एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा होंगी ठीक है जिसकी वजह से हम मज़ीद एटम्स को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे और जूँ जूँ हम करीब लेकर आते जाएंगे अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी इसके मुकाबले में रिपल्शन थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन वो फिर भी अट्रैक्शन से कम होगी ठीक है जिसकी वजह से जिसके नतीजे में क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज होगी ठीक है अब आगे और एक ऐसा डिस्टेंस आ जाएगा जब हम दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब लेके आते जाएंगे तो एक ऐसा कॉम्प्रोमाइजिंग डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन द न्यूक् ऑफ द टू एटम्स के उस कॉम्प्रोमाइजिंग डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब है कि इस पॉइंट पे अट्रैक्शन मैक्सिमम और रिपल्शन मिनिमम जब ये स्टेज आएगी तो बॉन्ड बन जाएगा एट दिस डिस्टेंस कार द बॉन्ड डिस्टेंस और वो डिस्टेंस जो है उसको कहेंगे बॉन्ड डिस्टेंस क्योंकि इस डिस्टेंस पे आके ही तो बॉन्ड बनना है बॉन्ड डिस्टेंस भी कहेंगे इसको बॉन्ड लेंथ भी कहेंगे द एटम्स आर सेट टू बी बॉन्डेड टू फिर दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाएंगे बॉन्ड बन जाएगा द बॉन्डिंग एनर्जी कॉरस्पोंडिंग टू द वेव फंक्शन कैलकुलेटेड एज अ फंक्शन ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज़ ओनली अबाउट ट्वेंटी फाइव किलो जाउल पर मोल अच्छा अब जब बॉन्ड बना बॉन्ड बना तो ये सारी कैलकुलेशन की गई वेव फंक्शन के हिसाब से तो जो इनर्जी मॉलिक्यूल की आई तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी फाइव किलो जाउल पर मोल आई यानी ये थोरेटिकली हमने कैलकुलेट की इसके मुकाबले में एक्सपेरिमेंट करके बॉन्ड इनर्जी देखी गई जो कि आई फोर फिफ्टी एट किलो जाउल पर मोल अब ये इनर्जी जो आई ये तो बहुत कम है और डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो दिस शोज़ डेट द टोटल वेव फंक्शन साइज नॉट करेक्ट वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी जो हमने पहले टोटल वेव फंक्शन लिखा था वो इक्वेशन ठीक नहीं है क्योंकि ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को और जो हमारी थ्रेटिकल वैल्यू ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये थ्रेटिकल वैल्यू ये दोनों वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसलिए वो जो पहली इक्वेशन है वो सफिशेंट नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है इस ग्राफ की तरफ आए ये देखें कव बी जो है ये शो कर रही है कि यहाँ शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट में हाइड्रोजन एटम एट इन्फिनिटी काफ़ी फासले पे जू जूँ हाइड्रोजन एटम्स को हम आपस में करीब लेकर आते हैं इनमें अट्रैक्शन बढ़ती, बढ़ती जाती है अट्रैक्शन बढ़ती जाती है डिस्टेंस डिक्रीज़ होता जाता है और फिर एक ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आके यानी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इस पॉइंट पे ये कम्प्रोमाइजिंग डिस्टेंस है बिटवीन द टू बॉन्डेड न्यूक्लियस जिसमें अट्रैक्शन मैक्सिमम और रिपल्शन मिनिमम होती है अगर इससे ज़्यादा आप इनको करीब करेंगे तो फिर क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी एकदम बढ़ जाएगी क्योंकि रिपल्शन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है और अट्रैक्शन कम हो जाएगी अगर आप बॉन्ड डिस्टेंस से ज़्यादा इन्हें एक दूसरे के करीब ले आएंगे बॉन्डेड एटम्स को तो फिर पोटेंशियल इनर्जी बढ़ जाएगी और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा ठीक है जी आगे है अब ये जो हमारी एजम्पन में यानी जो फ़र्क आ गया टू हाइड्रोजन एटम्स में इसमें उसकी असल वजह यह है कि हमने ऐसा किया था ये एच ए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ए का हाइड्रोजन एटम उसका इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे का न्यूक्लियस और उसका इलेक्ट्रॉन इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया था शुरू में तो हमने इन दोनों को अलग-अलग रखा यानी ये फ़र्क रख रहे थे डिस्टिंग्विशेबल थे हमें अपनी इक्वेशन से साफ पता चलता था कि ये जो हाइड्रोजन एटम वन का इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ यही अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसको ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है ठीक है लेकिन ये अब काफ़ी नहीं था आगे उसने कहा कि जब ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं तो इनमें अट्रैक्शन जो है वो क्रॉस अट्रैक्शन जिसको मैंने आ, बोल रही हूँ कि जब ये अलहदा अलहदा होते हैं हाइड्रोजन एटम तो एच ए का जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और एच बी का जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है लेकिन जो ही जब करीब आते हैं तो एक कॉम्प्रोमाइज़िंग डिस्टेंस पे जब ये दोनों करीब आते हैं तो उस वक़्त इन दोनों में फिर फ़र्क नहीं रह जाता ये जो एच बी का इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास भी जा सकता है और इसका इसके पास भी जा सकता है ठीक है ये फिर इस स्टेज पे जाकर कर हो जाते हैं यानी जब बॉन्ड बनता है तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो फ़र्क है ना वो ख़त्म हो जाता है फिर नहीं पता चलता कि एच ए का इलेक्ट्रॉन कौन सा था और एच बी का कौन सा था ठीक है इस सिचुएशन को कुछ इस तरह से क्लियर करने की कोशिश की गई है ये देखिए ये स्टेज वन इसमें एच ए और इसका अपना इलेक्ट्रॉन और एच बी और इसका अपना इलेक्ट्रॉन ठीक है यानी एक पॉसिबिलिटी ये है बॉन्ड फॉर्मेशन की कि अपना अपना निकलेस और अपना अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरी स्टेज क्या है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना ये आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं यानी एच ए और इसके साथ ये टू यानी एच बी का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एच बी के पास इसका इलेक्ट्रॉन आ गया ठीक है ये दोनों अगर हम इकट्ठे कर दें तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इनडिस्टिंगबल हो गए इन स्ट्रक्चर वन वी हैव द न्यूक्लियस एच ए विद इलेक्ट्रॉन वन एंड द न्यूक्लियस एच बी विद इलेक्ट्रॉन टू और इन स्ट्रक्चर टू द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन एक्सचेंज यानी ये टू में इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो गए नाउ द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज फॉर्म्स आर एक तो ये वेव फंक्शन साई ए वन साई बी टू ठीक है ये वाली इक्वेशन का और दूसरा कंबाइन जो वेव फंक्शन आया इस इक्वेशन का इसके नीचे साई टू और ये साई ए टू और साई बी वन द ट्रू वेव फंक्शन साई कैन बी कैलकुलेटेड बाय द लॉ ऑफ लीनियर कम्बिनेशन अब लॉ ऑफ लीनियर कम्बिनेशन क्या है कि ये साई टोटल वेव फंक्शन इसमें दोनों वेव फंक्शन को हमने एडअप किया लेकिन इससे पहले ये सी वन और सी टू लिखा यानी साइज इक्वल टू सी वन साई वन प्लस सी टू और साई टू ठीक है अब सी वन और सी टू क्या है ये सी वन एंड सी टू आर मिक्सिंग कोफिशेंट मिक्सिंग कोफिशियंट है कि ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में किस हिसाब से किस रेशो से मिक्स हुए दे आर एडजस्टेड इन सच अ वे सो एज टू गिव द लोएस्ट एनर्जी अब ये आपस में इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं कि इनकी एनर्जी लोएस्ट हो जाती है सिंस द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज सिमिट्रिकल द टू कंपोनेंट्स वेव फंक्शंस कंट्रीब्यूट इक्वली दे फो सी वन इज इक्वल टू प्लस माइनस टू यानी यहाँ पे ये बात बताई गई है कि हाइड्रोजन एटम का जो एटोमिक ऑर्बिटल है वन एस वो सिमिट्रिकल है दोनों ऑर्बिटल मिट्रिकल हैं तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है जो मिक्सिंग कोफ़िशेंट है वो दोनों का बराबर है इसमें अगर इस तरह इसको लिखा गया है कि C1 वन इज़ इक्वल टू प्लस माइनस टू अगर हम इसको C1 को वैल्यू साइन कर दें वन की तो C2 की मिक्सिंग क्या होगी प्लस वन एक पॉसिबिलिटी और दूसरी क्या है माइनस वन मोर ओवर कोफिशेंट हैव रिलेटिव क्वान्टिटीज वी कैन पुट सी वन इज इक्वल टू वन एंड सी टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अब ये वैल्यूज़ पुट कर करनी है हमने पीछे वाली इक्वेशन में तो जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो नई इक्वेशन्स आएंगी वो क्या आएँगी साई एस इज इक्वल टू साई ए वन साई बी टू प्लस साई ए टू साई बी वन ठीक है साई si एस साइस का मतलब है सिमिट्रिकल सिमिट्रिकल कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ठीक है यानी दोनों का जो मिक्सिंग कोफ़िशेंट है वो सेम है सिमिट्रिकल है तो फिर हमारे ये इक्वेशन के दरमियान में जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा ठीक है यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अपने अपने एटम्स और अपने अपने न्यूक्लियस और यहाँ पे एक्सचेंज हो गए इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और दूसरा जो है साई ए ये आएगा एस मेट्रिक यानी अगर एस मेट्रिक आ, कम्बिनेशन हो जाए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो फिर हमारा टोटल वेव फंक्शन कैसे आएगा अब इसमें हम वैल्यू जो पुट करेंगे ना सी टू की वो माइनस वन करेंगे ठीक है ऊपर वाली में आ, सी टू की वैल्यू हमने क्या पुट की थी प्लस वन अब जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये साई ए यानी एस कम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन अटोमिक ऑर्बिटल्स इसको बिल्कुल वैसे ही लिखना जैसे वो इक्वेशन लिखी सिर्फ साइन हमारा माइनस का आ जाएगा अब ये जो फंक्शन है साई एस रिप्रजेंट दिट्रिकल कम्बिनेशन ऑफ द टू हाइड्रोजन एटोमिक ऑर्बिटल्स एंड रिमीनस अनऑल्टर्ड बाई द एक्सचेंज ऑफ अलेक्ट्रॉन्स वन एंड टू यानी इसमें जो वेव फंक्शन है वो अनऑल्टर्ड कोई चेंज नहीं आएगा वैसे का वैसा रहेगा चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाए जबकि साई ए रिप्रेजेंट द एंटी सिमेट्रिकल कम्बीनेशन सिंस साई ए चेंजेस इट्स साइन बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इसमें जो ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए इसका साइन भी चेंज हो गया ये देखें इन फिगर टू पॉइंट टू वी हैव प्लॉटेड द एनर्जी ई अगेंस्ट द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पीछे हमने अभी ग्राफ देखा था उस ग्राफ की बात हो रही है एज इन एविडेंट फ्रॉम द प्लॉट कव ए रिप्रेजेंट द साई ए स्टेट वेयर एज विच इज अ नॉन बॉर्डिंग स्टेट इन विच द टू इलेक्ट्रॉन्स हैव पैरल स्पिन ये पीछे हमने देखे ग्राफ देखा था ये वाला इसमें ये जो ये वाली कव है ए ठीक है ये शो कर रही है किसको इसको ए कम्बिनेशन या एंटी समेट्रिक कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी इसमें ऑर्बिटल्स का ओवरलैप इस तरह से होगा कि जो ओवरलैपिंग रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो पैरेलल रहेगी और इस स्टेज पे रिपल्शन जो है वो मैक्सिमम होगी और अट्रैक्शन जो है वो मिनिमम होगी ये बॉन्ड फॉर्मेशन को शो नहीं करता इसे इसको एंटी सिमेट्रिक कम्बिनेशन भी हम कहते हैं ठीक है ये जो माइनस वाली इक्वेशन है ये इसको शो कर रही है उसके बाद ऑन द अदर हैंड कव बी रिप्रेजेंट अ बॉन्डिंग स्टेट इन विच द टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट स्पिन ये जो नीचे वाली कव थी ये उसको शो करती है इट मे बी नोटेड दैट द समेट्रिक कम्बीनेशन रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ एनर्जी वाइल इनक्रीज इन एनर्जी अक्कर वैन द कम्बीनेशन इज़ एंटी समेट्रिक यानी अगर कम्बीनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सीमेट्रिक होगी तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी और अगर कम्बीनेशन एंटी समेट्रिक होगी तो फिर सिस्टम की एनर्जी जो है ना वो बढ़ जाएगी द बॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेटेड By using साई एस एज द वे फंक्शंस कम्स आउट टू बी थ्री जीरो वन किलो जाउल पर मोल अब जैसे पीछे हमने कैलकुलेशन की थी वैसे ही थोरेटिकली कैलकुलेशन की गई इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके तो जो वैल्यू आई वॉन्ड एनर्जी की वो आई थ्री जीरो वन का किलो जाउल पर मोल अब जो डिफरेंस रह गया थ्री जीरो वन यहाँ पर कैलकुलेट की ये ट्वेंटी फ़ोर ये ट्वेंटी फाइव जो पीछे हमने कैलकुलेट की थी वो इन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आई वो टू सेवेंटी सेवन किलोजॉल पर मोल इसको हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी बिकॉज इट ए फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ अलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू न्यूक्लियर यानी ये जो टू सेवेंटी सेवन किलोजॉल पर मोल ऑफ एनर्जी आई है वो सिर्फ किस वजह से आई है या ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो इसकी वजह से इसलिए इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे ये एक्सचेंज एनर्जी ठीक है उसके बाद है द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज थ्री ज़ीरो थ्री यहाँ पे थ्री जीरो वन लिखा हुआ है किलो आर पर मोल दो सिग्निफिकेंट इज स्टिल स्मॉलर देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ फोर फिफ्टी एट यानी ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है थ्री ज़ीरो वन बॉन्ड एनर्जी ये जो हमने कैलकुलेट की थोरेटिकली ये अभी भी कम है जो एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना 458 ये उससे भी कम है यानी अभी भी डिफरेंस है इस डिफरेंस को फिर ये थ्योरी कैसे सॉल्व करती है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे ठीक है इस सारे को मैं अब ज़रा समअप करती हूँ इसमें हमने आज जो पढ़ा मेन पॉइंट्स पढ़े वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के और फिर उसके बाद इस सारे मेन पॉइंट्स को इसके मेन आइडिया को अप्लाई किया हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पे क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं इसमें हाइड्रोजन को सिंपलेस्ट यानी मॉलिक्यूल है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की क्या है वन एस वन जो वन एस वन ऑर्बिटल है उसको हमने वेव फंक्शन साई का नाम दिया ठीक है साई ए हाइड्रोजन एटम ए को और साई बी हाइड्रोजन एटम बी को ठीक है और फिर हमने इन वेव फंक्शन का ओवरलैप करवाया ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कहते हैं लेकिन एक्चुअली ये वेव फंक्शन है एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन की फॉर्म में शो किया गया इनके ओवरलैप से जो नया ऑर्बिटल बना उसको हमने क्या कहा उसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल या बॉन्ड ऑर्बिटल भी कहा ठीक है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टे करेंगे लेकिन विद ओपोजिट स्पिन और उस ऑर्बिटल में अट्रैक्शन मैक्सिमम और रिपल्शन मिनिमम जिसकी वजह से बॉन्ड बनेगा और इसके साथ ही एक और बॉन्ड एक और ओवरलैप वो ओवरलैप कहलाएगा एंटी सिमेट्रिकल ओवरलैप ठीक है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती इसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर स्टे करते हैं तो विद पैरेलल स्पिन और यहाँ पे रिपल्शन मैक्सिमम और अट्रैक्शन मिनिमम होती है तो उसके बाद थ्रेटिकल वैल्यूज़ काउंट की गई कैलकुलेट की गई डाटा से बॉन्ड इनर्जी की और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ और उन सब को वेरीफाई करके अब हम इस रिजल्ट तक पहुँचे हैं कि अभी भी चाहे हम इलेक्ट्रॉन भी एक्सचेंज कर लें न्यूक्लियस के साथ इसके बावजूद एनर्जी डिफरेंस अभी है थ्रेटिकल वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में ये हम इन अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है अल्लाह हाफ